हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे पावर मेजरमेंट इन सिंगल फेज सिस्टम। सो हियर आई एम कंसीडरिंग दैट दिस इज अ सिंगल फेज लोड एंड हियर द वोल्टेज अक्रॉस द लोड इज वी टी एंड द करेंट इज आई टी। सो आई एम अज्यूमिंग दैट वी टी इक्वल टू आई एम अज्यूमिंग दैट वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी एंड इंस्टेंटेनियस करेंट इज आई टी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई एंड आई एम अज्यूमिंग दैट थीटा वी इज ग्रेटर देन थीटा आई। ओके, नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द एवरेज पावर पासिस थ्रू द लोड। सो हियर इंस्टेंटेनियस पावर विल बी PT equal to, we know that it will be VT into IT. तो यहां से ये हो जाएगा वी एम आई एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई। अगर हम इसका फेजर ड्रॉ करें तो अगर ये सपोज 0 डिग्री है तो ये सपोज मैं कर रहा हूँ ये थीटा वी है, ये थीटा वी है और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये थीटा आई है, थीटा आई। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा वी माइनस थीटा आई। ओके, इनके बीच का एंगल जो होगा थीटा वी माइनस थीटा आई होगा। सो यहाँ से हम इसमें सिंप्लीफाई क्या करते हैं कि मैं ऊपर नीचे 1/2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा वी एम आई एम बाई 2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा आई। ठीक है, तो अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा वी एम आई एम बाई 2 cos A - B। तो कॉस ओमेगा टी से ओमेगा टी कट जाएगा, थीटा वी माइनस थीटा आई आएगा, थीटा वी माइनस थीटा आई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस थीटा वी प्लस थीटा आई। ओके, सो दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये हमारी हो गई इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमें एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये जो एवरेज पावर होती है, एवरेज पावर होती है 1/T माइनस टी बाई 2 टू T/2 PT/DT। ओके, और यहाँ पे देखिए तो जो सिग्नल है इसका जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है टी इक्वल टू 2π/ω। दिस इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड। और अगर इसमें देखें तो 2 टर्म्स हैं, ये वाला जो टर्म्स है टाइम इंडिपेंडेंट है और ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, और ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट। अगर इसकी हम टाइम पीरियड निकालें, मैं कह रहा हूँ जो सेकेंड एलिमेंट है इसका, अगर मैं तो ये हो जाएगा 2π/2ω। तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा, और जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है उसकी वैल्यू है 2π/ω। तो इस रिलेशन से जो T2 है होगा वो कितना हो जाएगा, T2 के वैल्यू ये पाई बाई ओमेगा है। तो अगर हम इसमें 1/2 ऐसे इसको करें और इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर दें उसमें, तो T2 जो होगा वो T/2 का होगा। इसका मतलब ये भी पीरियोडिक है T/2 से। इसका मतलब जो इसकी अगर हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। तो इसलिए जो एवरेज पावर हो जाएगा, इसलिए जो एवरेज पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/T। ओके, माइनस T/2 प्लस T/2
Vm Im by 2 cos theta v minus theta I dt, और ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, तो अभी कितना हो जाएगा एवरेज पावर, 1 by t into टाइम इंडिपेंडेंट है तो ये Vm Im by 2 into cos थीटा वी माइनस थीटा आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा, इंटू टी बाई टू प्लस टी बाई टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा, ए टी से टी कट गया, तो एवरेज पावर हमारी आ जाएगी, जो एवरेज पावर हो जाएगी वो आ जाएगी वी एम आई एम बाई टू कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है, Vm Im by 2 cos theta v minus theta i, इसको हम RMS फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं, 2 को root 2 into root 2 लिख सकते हैं, तो ये root 2 into Im by root 2 cos theta v minus theta i, तो यहाँ से एवरेज पावर जो हो जाएगी, यहाँ से जो एवरेज पावर हो जाएगी वो हो जाएगी एवरेज पावर, टी एवरेज जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस थीटा वी माइनस थीटा आई, ठीक है, इसी बेसिस पे हम क्या करेंगे पावर का कैलकुलेशन करेंगे। सपोज करिए कि एक वाट मीटर है और वाट मीटर में दो कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है एक करंट कॉइल होती है, ठीक है, वाटमीटर में दो कॉइल होती है, एक प्रेशर कॉइल होती है एक करंट कॉइल होती है, ये जैसे सपोज करिए वाटमीटर है, ये उसका करंट कॉइल है और ये इसका प्रेशर कॉइल है, अगर सपोज प्रेशर कॉइल के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी पी सी आर एम एस और एंगल थीटा पी सी है, और करंट कॉइल के थ्रू करंट अगर आई सी आर एम एस थीटा सी है, तो जो वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी, तो उस समय इस वॉट मीटर की जो रीडिंग होगी वो भी वी पी सी आर एम एस इंटू आई पी सी आर एम एस इनके बीच का एंगल जो भी एंगल होगा कॉस एंगल बिटवीन थीटा पी सी एंड थीटा सी, इस तरह से हम क्या करेंगे किसी भी सिंगल फेस वाटमीटर की रीडिंग निकालेंगे। इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें वाटमीटर की रीडिंग बतानी है, और ये देखिए लोड जो है 4.4 प्लस जे 3 है लोड, और हमको बतानी है वाटमीटर की रीडिंग, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए जो करंट कॉइल होती है ना उसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो इसको हम इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल जीरो के मान लेते हैं, और जो प्रेशर कॉइल होता है इसकी जो रेजिस्टेंस होता है वेरी हाई किलो ओम के रेंज में होता है, ठीक है, इसलिए ये जो वोल्टेज होगा यहाँ पे अपियर होगा, मतलब अगर हम इसके रेजिस्टेंस को निग्लेक्ट करें तो यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज है वो यहाँ पे हो जाएगा 400 एंगल 0, इससे हम आइस क्वाइल में करंट कितना जा रहा है और लोड का करंट वही लोड में जा रहा है जो क्वाइल में करंट जा रही है, तो यही IL होगी लोड करंट, ये कितने के बराबर हो जाएगी 4 एंगल 0 डिवाइड बाई 4 प्लस J3, तो ये आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 5 और ये हो जाएगा 36.87, तो यहाँ से जो IC आया कॉइल में जो करंट है आई सी सी, ये आर एम एस में है, तो अगर ये आर एम एस में है तो करंट भी क्या होगी आर एम एस में होगी, तो ये हो जाएगी 80 माइनस 36.87 डिग्री, ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो प्रेशर कॉइल है वी पी सी इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना है 400 एंगल 0, तो वी पी सी आर एम एस जो होगा वो तो 400 एंगल 0 होगा। अब हमको पता है कि जो वाटमीटर की रीडिंग होती है वाटमीटर की रीडिंग वो होती है वी पी सी आर एम एस आई सी सी आर एम एस कॉस एंगल बिटवीन थीटा पी सी और थीटा सी सी। अब देखिए
यहाँ पे जो अगर ये 0 डिग्री है, सपोज ये 0 डिग्री है एंगल, तो जो आईसीसी आएगा यहाँ से 36.87 पे आईसीसी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आईसीसी आएगा। और जो हमारा वीपीसी आएगा वो वीपीसी इस 0 डिग्री पे आएगा, वीपीसी ये 0 डिग्री वाले पे आएगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 36.87। सो वाट मीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, वीपीसी कितना है 400 इंटू आईसीसी कितना है 80 इंटू कॉस 36.87। तो ये आ जाएगा 400 इंटू 80 इंटू 0.8, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी 400 इंटू 80 इंटू 0.8, इट विल बी 25600 वॉट। इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 25.6 किलोवाट। 25.6 किलोवाट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना वाट मीटर की रीडिंग। लोड है 4+j3। अब देखिए यहाँ पे उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इसमें प्रेशर कॉइल के लिए वोल्टेज अलग से लगाई गई है, ठीक है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे आईसीसी अगेन हम फाइंड आउट कर लेंगे कि आईसीसी कितना चला जाएगा। तो 400 एंगल 0 डिवाइड बाई 4+j3, तो ये कितना हो जाएगा, 400 एंगल 0 और ये हो गया 5, 36.87। तो ये अगेन आ गया 80 और ये हो गया -36.87। ये हो गया आईसीसी। और वीपीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए वीपीसी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 एंगल 0 और ये आरएमएस है। तो ये आपका वीपीसी है और ये 0 डिग्री पे है और आईसीसी यहाँ पे हाँ से लैगिंग है 36.87। तो ये कितना हो गया, थीटा भी माइनस थीटा ये हो गया दोनों के बीच का एंगल। तो इसलिए जो वाट मीटर रीडिंग हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, वीपीसी आरएमएस मतलब 100 इंटू 80 और कॉस 36.87। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 80 इंटू 0.8, तो ये हो गया 8000 इंटू 0.8। तो ये आ जाएगा आपका 8000 इंटू 0.8 और 6400 वॉट, या कितना किलो वाट हो जाएगा, 6.4 किलो वाट हो जाएगा, है ना, 6.4 इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.4 किलो वाट। तो इसका ये आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर जो होगा 6.4 किलोवाट होगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है, वाट मीटर की अगेन रीडिंग फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो वीपीसी हो जाएगा ये वाला वोल्टेज हो जाएगा 100 एंगल 53.14 हो जाएगा और जो क्वाइल के थ्रू करंट जाएगी आईसी की वैल्यू वो हो जाएगी 4 एंगल 0 डिवाइड बाई 4+j3। तो ये अगेन कितना हो जाएगा, 4 एंगल 0 और ये हो गया 5 और ये हो गया 36.87। तो ये 80 -36.87। और देखिए वीपीसी की वैल्यू कितनी है, 100 और ये है 53.14, ठीक है 53 पॉइंट। तो देखिए अगर मैं इसको अगर मैं इसको ये अगर ये 0 डिग्री है तो देखिए वीपीसी इधर आएगा, वीपीसी ये यहाँ से 53.14 डिग्री है और आईसीसी कितना है, 36.87। ये आईसी है 36.87। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53.14 + 36.87 या 86 ले लो, तो ये 90 डिग्री होगा। इसलिए जो वाट मीटर की रीडिंग आएगी ना
वो कितना हो जाएगा, वीपीसी 100 इंटू 80 आईसीसी कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है, जीरो, इसलिए जो वाट मीटर की रीडिंग होगी वो कितनी होगी, जीरो वाट होगी। आंसर इसका 0 वाट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको वाट मीटर की रीडिंग फाइंड आउट करनी है। अब देखिए जो प्रेशर कॉयल ये है तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज जो वीपीसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो तो है 110 एंगल 0। ठीक है, अब देखिए अभी हमको क्या चाहिए, इस कॉयल आईसी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमको यहाँ पे अगर हम इस वाले कॉयल में करंट निकाल लें, मैं मान लेता हूँ ये IX करंट है, तो सीटी रेशियो के हिसाब से हम इस आईसी को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो IX हो जाएगा, यहाँ से IX जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 एंगल 0, 400 एंगल 0 डिवाइड बाई 3 प्लस J4। ओके, सो ये हो जाएगा 4 एंगल 0 5, और इसका जो एंगल आएगा 3 प्लस 4 I, इसका जो एंगल आएगा आपका आएगा 53.13। ठीक है, इसकी जो एंगल है वो है 53.13, तो यहाँ से IX की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस 53.13 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमको तो IC चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, जब इस कॉइल में 100 एम्पियर है इसमें 5 एम्पियर फ्लो रहा, मतलब जब कॉइल में 100 था तो करंट कॉइल CC में 5 एम्पियर हो रहा था, तो 1 एम्पियर पे करंट जो हो जाएगा वो 5/100 होगा, और जब उसमें करंट 80 एम्पियर होगा तो कितना करंट फ्लो होगा, IC निकल जाएगा, तो 5/100, तो ये हो जाएगा 400/100, तो 4 एम्पियर। इसका मतलब जो IC आएगा वो आएगा 4 माइनस 53.13 डिग्री, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए तो देखिए VPC ये है 0 डिग्री पे, ये VPC है, और ICC IC से 53.13 डिग्री लैग कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया, ये क्या है, थीटा V माइनस थीटा I है, तो इसलिए जो वाट मीटर की रीडिंग हो जाएगी VPC कितना है, 110 इंटू IC4 इंटू cos 53.13, और cos 53.13 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.6। ओके, तो ये हो जाएगा 110 इंटू 4 इंटू 0.6, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 264 वाट। सो यहाँ से वाट मीटर की रीडिंग आ जाएगी 264 वाट। सो इसका आंसर हो जाएगा 264 वाट। तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा, कि हमने पढ़ा कि कैसे सिंगल फेज पावर मेजरमेंट करते हैं, तो उसकी जो सिंगल फेज पावर निकालने के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है वो भी RMS IRMS cos थीटा V माइनस थीटा I होता है। फिर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए वन बाई वन। नेक्स्ट लेक्चर में हम टू वाट मीटर मेथड पढ़ेंगे, कैसे उसमें एक्टिव पावर मेजर करते हैं, कैसे पावर फैक्टर निकालते हैं। ओके।